गाजियाबाद की थाना लोनी पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गोकश गोली लगने से घायल हो गया। इस मुठभेड़ में एक वांछित गोकश को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया गोकश थाना लोनी से गोकशी के मामले में वांछित चल रहा था। फिलहाल पुलिस गोकश के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल लोनी पुलिस ने बंथला चिरोड़ी रोड पर एक बाइक सवार को चेकिंग के दौरान रोका तो आरोपी बाइक को तेजी से पीछे मोड़कर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने बदमाश की घेराबंदी की और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम शाहिद निवासी निठोरा रोड अहमद नगर लोनी बताया है, जो थाना लोनी से गोकशी में वांछित चल रहा था। थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत बंथला चिरोड़ी मार्ग पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए और काफ़ी तेजी से मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए घेराबंदी किया और घेराबंदी करके बदमाश को गिरफ्तार करने हेतु ललकारा। उसने पुलिस टीम पर पुनः फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहिद पुत्र मेहर इलाही निठौरा रोड अहमदनगर का रहना बताया है। उसके जो प्रारंभिक इतिहास के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई है तो एक दर्जन से अधिक बागपत, लोनी, गाजियाबाद और दिल्ली में गोकशी जैसे गंभीर अपराध उसके ऊपर पंजीकृत हैं और थाना लोनी में दो मुकदमों में वो वांछित भी चल रहा था। उसको चिकित्सा हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।